हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल MPPSC एग्जाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक मार्क ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश की नदियों के अंतर्गत डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से नर्मदा नदी के बारे में, सबसे पवित्र नदी कहलाती है हमारे मध्य प्रदेश की, इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस नदी के बारे में पढ़ना। मेरा आपसे प्रॉमिस है, इस वीडियो को देखने के बाद मध्य प्रदेश के अंतर्गत, संपूर्ण भारत के अंतर्गत नर्मदा नदी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला। संपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश के अंतर्गत नर्मदा नदी कितने जिलों से प्रवाहित होती है, कौन कौन से जलप्रपात बनते हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं इस नदी पर लागू है, सभी बातें हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, उद्गम कहां से होता है। जब मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ा था, तो आपको मैंने बताया था सबसे दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है या श्रेणी है। इसी के अंतर्गत सबसे पश्चिमी भाग कहलाता है राजपिपला, सबसे मध्य वाला भाग कहलाता है महादेव और सबसे पूर्वी भाग कहलाता है मेकाल पर्वत। इसी मेकाल पर्वत से उद्गम होता है नर्मदा मैया का। और यदि पर्टिकुलर यदि बात करें तो कौन सी पहाड़ियों से उद्गम होता है, तो अमरकंठक पहाड़ियों से उद्गम होता है। और यदि आपको पता होना चाहिए यह जो मेकाल पर्वत है ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अमरकंठक चोटी है जिसकी ऊंचाई 1064 मीटर है। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, मध्य प्रदेश की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो अमरकंठक चोटी है। याद रखना, सबसे पहली कौन सी है, तो महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम में इसी टाइप से पूछे जाते हैं, इस बात को याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अन्य नाम क्या है। नर्मदा नदी को 20 अनेक अनेक नामों से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत सबसे प्राचीन और प्रचलित नाम नर्मदा मैया का जो है वह है रेवा। इसका वर्णन हमें ऋग्वेद में एवं संस्कृत के ग्रंथों में भी मिलता है। आगे यदि बढ़े, मेकाल सूता। अभी मैंने आपको बताया कि उद्गम कहाँ से हुआ, मेकाल पर्वत से हुआ, इसलिए नर्मदा नदी को मेकाल पर्वत की पुत्री भी कहा जाता है। नामोदोस या नामोदास भी कहीं लिखा मिल जाएगा। यह जो नाम दिया गया है ना, भारत के एक भूगोलविद कह सकते हैं जिन्हें हम, जिनका नाम है टॉलमी, उन्हीं के द्वारा यह नाम दिया गया है। आगे यदि बढ़े तो सोमोधवा, यह अर्थात इसका मतलब क्या होता है, चंद्रमा से जन्मी, इस अलाइन का शब्द होता है, इसका अर्थ शंकरी भी कहा जाता है। शंकरी अर्थात क्या होता है, शंकर भगवान की पुत्री कहलाती है मां नर्मदा। यदि आगे बढ़े, उपनाम कौन कौन से है नर्मदा मैया के, तो एक बड़ा महत्वपूर्ण उपनाम है भारत की हृदय रेखा। किस नदी को कहते हैं, नर्मदा नदी को कहते हैं। वैसे तो हमारा मध्य प्रदेश को एक उपनाम से जाना जाता है जिसका नाम है नदियों का माइका, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में कई सारी नदियां प्रवाहित होने के कारण हमारे मध्य प्रदेश को यह नाम दिया गया है। और सबसे यदि महत्वपूर्ण बात करें, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो नदी प्रवाहित होती है उसका नाम है नर्मदा नदी, और प्रवेश कर जाती है कहां पर, गुजरात के अंतर्गत। तो मध्य प्रदेश व गुजरात की क्या
क्या कहलाती है? जीवन रेखा कहलाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की गंगा भी कहलाती है। नर्मदा नदी धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश की, यदि आपसे पूछे गंगा किस नदी को कहा जाता है तो नर्मदा नदी को कहा जाता है, किंतु यदि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि बताइए प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहते हैं तो बेतवा नदी को कहते हैं। इस बात को भी याद रखना, यही से क्वेश्चन बने हैं। यदि सिंपल वे में पूछ ले कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं तो नर्मदा नदी को टिक करना, धार्मिक आधार पर भी पूछ ले तो नर्मदा नदी को टिक करना, किंतु प्रदूषण के आधार पर पूछे मध्य प्रदेश की गंगा तो बेतवा को ही टिक करना, यह क्वेश्चन बना है। आगे चलते हैं, लंबाई की बात करते हैं। कुल लंबाई कितनी है नर्मदा मैया की? 1312 किलोमीटर की कुल लंबाई है, जिसमें से 1077 किलोमीटर नर्मदा मैया प्रवाहित होती है हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत। और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो याद रखना वह नदी है कौन सी? नर्मदा नदी। और आपको एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात पता होना चाहिए, 2017 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा भी दिया गया है। यदि बात करें संपूर्ण भारत के परिदृश्य में संपूर्ण भारत की कौन सी सबसे लंबी नदी है तो पांचवी सबसे लंबी नदी कहलाती है नर्मदा। और बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, भारत में प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे तीसरी लंबी नदी कौन सी है तो नर्मदा नदी है। सबसे पहले किसका नंबर आता है? गोदावरी का, 1465 किलोमीटर प्रवाहित होती है। उसके बाद नंबर आता है कृष्णा का, 1400 किलोमीटर। और तीसरा जो नंबर आता है नर्मदा का, 1312 किलोमीटर। इस बात को भी याद रखना। नीचे आते हैं, अपवाह क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। इसका कुल अपवाह क्षेत्र कितना है? 93,180 स्क्वायर किलोमीटर का कुल अपवाह क्षेत्र है, जिसमें से 85,930 स्क्वायर किलोमीटर का अपवाह क्षेत्र कहां पर है? हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। यदि इसका प्रतिशत निकाल लोगे तो 89.9% निकल जाएगा। और यदि बात करें हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें नर्मदा नदी का सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र है तो वह है जबलपुर के अंतर्गत। इस बात को भी याद रखना, जबलपुर तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप भेड़ाघाट जाओगे उसके अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा मां नर्मदा का सबसे प्यारा अपवाह क्षेत्र। और यदि आगे बढ़े तो गुजरात के अंतर्गत कितना है? 6.5% है। महाराष्ट्र में है 2.7%। यदि सबको इसको जोड़ लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 99.1%। 1% का जो डिफरेंस आता है कुछ कुछ किताबों के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी प्रवाहित होती है। यह जो अमरकंटक वाला भाग है ना, थोड़ा सा जो पोर्शन यदि हम देखें तो कहाँ पर आता है तो यह पोर्शन आता है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। इसलिए कुछ किताबों के अंतर्गत 1% का अपवाह क्षेत्र दर्शाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में भी। और यदि बात करें कि इसका जो अपवाह तंत्र है किस प्रकार का है, नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र वृक्ष नुमा है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यदि घाटी की बात करें कि नर्मदा नदी किस प्रकार से प्रवाहित होती है, यदि बात करें इस अपवाह तंत्र की तो सबसे ऊपर कौन सी श्रेणियां आती है? विंध्य श्रेणी आती है। सबसे नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आती है। इन श्रेणियों के
बीच से प्रवाहित होती है नर्मदा नदी, और ऐसा कहा जाता है यह एक प्रकार से भ्रंश घाटी है। इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो वह है नर्मदा नदी। इस बात को भी नोट कर लो। और ऐसा कहा जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कि नर्मदा नदी का जो अपवाह तंत्र है, अधिकतर यदि पोर्शन देखे तो वी शेप वाला पोर्शन है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसका यदि बात करें कि अवसान कहां पर होता है, तो गुजरात में एक स्थान है भरूच, वहां पर यदि देखे खंबात की खाड़ी या जिसे केम्बे की खाड़ी भी कहा जाता है, और वह स्थान जो आता है अरब सागर के अंतर्गत, तो अरब सागर के अंतर्गत इस नदी का उद्गम हो जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की यदि आपसे पूछे सबसे लंबी नदी कौन सी है जो अरब सागर के अंतर्गत मिल जाती है, तो नर्मदा नदी ही, टिक करना, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर के अंतर्गत मिलती है, ऐसा क्वेश्चन आए तो नर्मदा नदी ही टिक करना, डबल कह दिया। और यदि नीचे आए तो डेल्टा या एश्यूरी बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखना केवल दो ही ऐसी नदियां है, यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के परिदृश्य में, जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है नर्मदा और ताप्ती, जो डेल्टा नहीं बनाती, जो निर्माण करती है ऐशूरी का। और यह जो नर्मदा नदी है ना, कितने लंबी, कितने किलोमीटर लंबी ऐशूरी का निर्माण करती है, 27 किलोमीटर लंबी ऐशूरी का निर्माण करती है डेल्टा, क्यों नहीं बिना बनाती, ऐसा भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अवसादों की कमी होने के कारण नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है ना, वह याद रखना डेल्टे का निर्माण नहीं करती, ऐश्वरी बनाती है। और ऐसा भी कह सकते हो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने के कारण, अवसादों की कमी के कारण निर्माण नहीं कर पाती डेल्टे का। यदि बात करें किसके समानांतर प्रवाहित होती है, तो याद रखना नर्मदा नदी प्रवाहित होती है कर्क रेखा के समानांतर, यह भी क्वेश्चन बना है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कर्क रेखा के समानांतर प्रवाहित होने वाली नदी वह नदी है नर्मदा नदी। इसकी सहायक नदियां कितनी है, कुल 41 सहायक नदियां मध्य प्रदेश की। ऐसी कौन सी नदी है जिसकी सबसे ज्यादा सहायक नदियां है, वह है नर्मदा नदी। और यदि बात करें तो बायोटर से कौन सी नदियां इसमें मिलती है, तो कुल मिलाकर 22 नदियां मिलती है, जिसके अंतर्गत शेर है, शक्कर है, दूधी है, तवा है, देनवा है और बंजर है। और दाई ओर से कौन सी नदी मिलती है, तो बरना है, कोलार है, मान है, हिरन है, उटनी है, यह सभी नदियां इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत मिलती है। शेर नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए, यह लगभग यदि अलीराजपुर का यदि पोर्शन देखे वहां से मिल जाती है। शक्कर नदी आपको पता होना चाहिए, यदि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जिसका नाम है छिंदवाड़ा, उसकी एक तहसील है अमरवाड़ा, से इसके अंतर्गत मिल जाती है। दूधी भी वहीं से मिल जाती है। तवा, तवा के बारे में बात करते हैं, याद रखना नर्मदा नदी की सबसे यदि पूछे लंबी सहायक नदी कौन सी है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो तवा नदी है। तवा नदी का उद्गम कहां से होता है, इसी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत महादेव पहाड़िया है, उसके अंतर्गत कालीभीत पहाड़ियों से तवा नदी का उद्गम होता है। होशंगाबाद के अंतर्गत बांद्रा मान के अंतर्गत यह नदी किससे मिल जाती है, नर्मदा नदी से मिल जाती है। इसी तवा नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है तवा बांध के नाम से, 13-22 मीटर की इसकी हाइट है।
और यदि पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क बांध किस नदी पर है, तो वह है सिंध नदी के ऊपर, जिसके अंतर्गत देखे तो 2500 मीटर की इसकी कुल लंबाई है। सभी बातें इसके बारे में हो गई। आप बात करते हैं, यदि आप हमने देखा था जब मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ा था, तवा और देनवा का मिलन होता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत वहां पर एक पर्यटन स्थल भी है, मढ़ई पर्यटन स्थल, इसके बारे में याद रखना। बंजर के बारे में पढ़ा था, यहां पर हमने देखा था मंडला और बालाघाट की सीमा के ऊपर कौन सा राष्ट्रीय अभ्यारण है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, उद्यान है जिसके अंतर्गत प्रवाहित होती है बंजर नदी, उसके अंतर्गत हौलो और बंजर घाटिया भी मैंने आपको बताई थी। सभी बातें आपको याद रखना है, भूलना कुछ भी नहीं है। और यदि बात करें बरना भी यदि देखे तो यहां से मिल जाती है कोलार नदी, जो है वह सीहोर से मिल जाती है। सीहोर के अंतर्गत कोलार नदी पर एक बांध भी बनाया गया है विश्व बैंक की सहायता से। मान नदी जो है धार में मिल जाती है। हिरन और ऊटी नदी लगभग यदि हम पोर्शन देखे तो अलीराजपुर के अंतर्गत मिल जाती है नर्मदा नदी से। यह सभी सहायक नदियां एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसे भी मत भूलना। अब यदि बात करें तो नर्मदा बचाओ अभियान के बारे में बात करते हैं। नर्मदा बचाओ अभियान मध्य प्रदेश के अंतर्गत बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका यदि देखें तो इसे शुरू किसके द्वारा किया गया था, मेधा पाटकर के द्वारा शुरू किया गया था, और उनका साथ दे रही थी एक लेखिका जिनका नाम है अरुंधति रॉय। यह बड़ी ही प्रसिद्ध लेखिका है, इन्हें बुकर प्राइस से भी 1997 के अंतर्गत सम्मानित किया गया है। इनकी एक किताब के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण किताब इनके द्वारा लिखी गई थी, बाबा आमटे भी इन्हीं के साथ थे। और 1995 के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भी बनाया गया है, यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण कब बनाया गया था, 1995 के अंतर्गत बनाया था, 1985 में बनाया था। और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना, यदि वर्तमान के अंतर्गत जब हमने मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण किसके पास है, उसके कैबिनेट मंत्री कौन है, तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी है। संपूर्ण बातें आपको बता दी। आप मैप के बारे मैप के माध्यम से और कुछ बातों को समझते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो अनूपपुर जिले से हुआ। कहाँ से हुआ, अनूपपुर जिले के अंतर्गत ही आती है अमरकंठक पहाड़ियाँ, इस बात को नोट कर लो। वहाँ से निकली डिंडोरी में गई, डिंडोरी से मंडला है, मंडला से जबलपुर है, नरसिंहपुर है, रायसेन है, होशंगाबाद है, सीहोर है, देवास है, हरदा है, खंडवा है, खरगोन है, धार है, नीचे आ जाओ बड़वानी है, और लास्ट में है अलीराजपुर। यह मध्य प्रदेश के 15 जिले है जिससे नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नर्मदा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो यह सभी जिले याद कर लो। इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जबलपुर। जबलपुर के अंतर्गत इस नर्मदा नदी पर बनने वाला सबसे पहला बांध जिसका नाम है बरगी बांध, या जिसे जाना जाता है अवंती बाई बांध के नाम से, नर्मदा नदी पर स्थापित होने वाला सबसे पहला बांध था। आगे यदि बात करें तो इसी जबलपुर के अंतर्गत कौन सा जलप्रपात है, भेड़ाघाट जलप्रपात, या जिसे हम जानते हैं धुआधार जलप्रपात के नाम से। इस अनूपपुर के अंतर्गत कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जल
जलप्रपात और बड़ा महत्वपूर्ण है दुर्गाधारा जलप्रपात इसी अनूपपुर जिले के अंतर्गत थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनते हैं। मैंने आपसे मध्य प्रदेश के अंतर्गत जब जलप्रपातों के बारे में चर्चा की थी तो आपको बताया था जिस भी जलप्रपात के अंतर्गत धारा या धार लगा हो वह जलप्रपात किस नदी पर बनता है, तो याद रखना वह नर्मदा नदी पर बनता है। यदि बात करें इस नरसिंहपुर के बारे में तो अर्जुन कुंड जलप्रपात, भीम कुंड और सतधारा जलप्रपात इसे भी याद करा दिया था। महाभारत के जो अर्जुन और भीम थे इस पृथ्वी पर सत्कर्म करने के लिए आए थे, वह नर के रूप में आए थे। नर से कर दो नरसिंहपुर, अर्जुन कुंड, भीम कुंड, सत से कर दो, सत्कर्म से कर दो सतधारा जलप्रपात। और यदि नीचे आ जाओ तो इसी होशंगाबाद के अंतर्गत बड़े महत्वपूर्ण जलप्रपात देखने के लिए मिलते हैं, तवा नदी पर बनते हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है पचमढ़ी वाले एरिया के अंतर्गत। कौन कौन से? अप्सरा है, डचेस है, रजत है, जमुना है, बी फॉल, यह सभी जलप्रपात तवा नदी पर बनते हैं। किंतु कभी कभी तवा नदी नर्मदा नदी की सहायक है, ऑप्शन के अंतर्गत तवा नदी नहीं दिया जाता तो टिक करना। नर्मदा नदी के बारे में एक अप्सरा है, उसे सांप ने डचेस ने ढस लिया तो वह क्या था? वह रजत की बनी थी, जो रजत की बनी होने के कारण वह मौन हो गई और बाद में ढसने के कारण सांप ने उसे ढस लिया तो वह बीफॉल यानी नीचे गिर पड़ी। इस बारी से इस प्रकार से याद रख लो। और यदि बात करें इसी खंडवा के बीच में हरदा वाला जो सेक्शन है तो यहां पर, और खरगोन वाला सेक्शन है तो यहां पर दर्दी जलप्रपात, मंधार जलप्रपात इसी नर्मदा नदी पर बनते हैं। धार आ गया। इस प्रकार से याद कर लो संपूर्ण बातें। खरगोन के अंतर्गत एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है महेश्वर। इसी महेश्वर के अंतर्गत महेश्वर घाटों के पास में एक जलप्रपात बनता है जिसका नाम है सहस्त्रधारा जलप्रपात। और इसी महेश्वर के अंतर्गत एक बांध है महेश्वर बांध। महेश्वर एक गांव है, कस्बा है, उसके अंतर्गत बनता है। और यदि देखे देजला देवड़ा बांध और यह है साटक बांध। साटक बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, यह भी पूछा जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इस बात को भी याद रखना। यदि बात करें तो खंडवा के परिदृश्य में यदि देखे तो सुक्ता जो बांध है इस नदी पर तो नहीं कह सकते, इसके अंतर्गत इसी की एक नदी कहलाती है जिसका नाम है सुक्ता, जो बुरहानपुर और खंडवा की सीमा पर है, वह बनता है सुक्ता बांध। और बड़ा ही महत्वपूर्ण परियोजना है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है, यहां से क्वेश्चन बना है तो याद रखना नर्मदा नदी पर है। यहां पर कुल कितनी बिजली का उत्पादन होता है? 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा बांध जिसके अंतर्गत जल संग्रहण की सबसे ज्यादा क्षमता है तो याद रखना इंदिरा सागर बांध है। और इसी के अंतर्गत खंडवा के अंतर्गत जहां पर ज्योतिर्लिंग है विश्व के मध्य संपूर्ण भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर, यहां पर एक गांव है मंधाता, यहां पर ओंकारेश्वर परियोजना भी लागू की गई है। तो यह सभी परियोजनाएं भी हो गई, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, सभी बातों को याद रखना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यह आपको अफवाह तंत्र भी, इस अफवाह तंत्र को भी बिल्कुल मत भूलना। सभी क्वेश्चन लगभग मैंने आपको मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के बारे में बता दिए, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता देता हूँ इसका प्राचीनतम नाम कौन सा है। रेवा के बारे में पूछा जाता है, भारत की हृदय रेखा कहलाती है, इसके बारे में पूछा जाता है। वृक्षनुमा जो इसका तंत्र है अफवाह तंत्र, इसके बारे में पूछा जाता
जाता है, इसका अवसान या मिलन कहां पर होता है? अरब सागर के अंतर्गत गुजरात के भरूच से वहां पर मिल जाती है। इसके बारे में भी क्वेश्चन बनता है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण 1985 के अंतर्गत बनाता, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नर्मदा बचाओ अभियान किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बना है, मां नर्मदा के लिए इसके शुद्धिकरण के लिए संरक्षण के लिए 148 दिन की लंबी यात्रा शुरू की गई थी। 11 दिसंबर 2000 शुरू से 2016 से यह यात्रा शुरू हुई और 15 मई 2017 तक चली थी। लगभग 3350 किलोमीटर की लंबी दूरी की यात्रा नर्मदा के इस परिदृश्य में मां नर्मदा को बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए पर्यावरण दृष्टि से यदि देखें नर्मदा नदी का महत्व कितना है, यह सभी बातों को बताने के लिए नर्मदा नदी के नाम से यह यात्रा बनाई गई थी। इसके संपूर्ण यदि बात करें तो मेधा पाटकर का नाम भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है नर्मदा बचाओ अभियान के अंतर्गत। इस नाम को मैं मत भूलना। और बाबा आमटे हो जाता है, लेखिका अरुंधति रॉय का नाम भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। संपूर्ण बातें आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दी। एक वह यह जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत 15 जिलों से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, किंतु याद रखना झाबुआ ऐसा जिला है जहां से नर्मदा नदी प्रवाहित नहीं होती। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस खरगोन के अंतर्गत यदि हम देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग देखने के लिए मिलते हैं। मंडलेश्वर है, महेश्वर है। खंडवा के अंतर्गत मंधाता आ जाता है। इस हरदा के अंतर्गत हंडिया आ जाता है। और यदि आप आगे चल जाओगे तो आपको यहाँ पर नरसिंहपुर के अंतर्गत एक घाट देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है बरमान घाट। इसी बरमान घाट पर नर्मदा नदी के तट पर हम यदि देखें जो तिली संक्रांत होती है, मकर संक्रांति होती है, 14 जनवरी या 15 जनवरी जब भी आ जाए तो वहाँ पर इसी नदी के तट पर वहाँ पर मेला भी लगता है। इस संपूर्ण बातों को याद कर लो। धार के अंतर्गत धर्मपुरी एक एरिया आता है, वहां से प्रवाहित होती है मां नर्मदा। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दी है, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह कंटेंट पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।